अपहरण किए गए किशोर को पुलिस ने मानपुर थाना इलाके से अलौदिया नदी के पास से मुक्त कराते हुए 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए सदर DSP डॉक्टर शिवली नोमानी ने बताया है कि मानपुर थाना इलाके के विक्की के अपहरण किए जाने की FIR बिहार थाने में दर्ज कराई गई थी। दर्ज FIR में कहा गया था कि विक्की 10 जून की शाम कपड़े खरीदने गया था, उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 2,00,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। इस अपहरण कांड के पीछे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिससे पता चला है कि सभी अपहरणकर्ता काफी दिनों से IPL की सट्टेबाजी खेल रहे थे, जिससे ये लोग 50,000 रुपए हार चुके थे। इसके बाद अपहरण की घटना को अंजाम दिया। मिथिलेश यादव है मानपुर के सरबाजी के, उनके द्वारा बिहार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि उनके पुत्र का अपहरण हो गया है, जो सरबजी से बिहार शरीफ आया था कुछ सामान लेने के लिए। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया। एक टीम का गठन किया गया तत्काल, तकनीकी अनुसंधान और आसूचना के आधार पर जो अपहरित हैं विक्की कुमार, उनकी बरामदगी अलौदिया चौर नदी के पास से की गई है और इस घटना में कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ अन्य अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है। जैसा कि वादी के द्वारा प्राथमिकी में बताया गया कि उनके पुत्र को उठाकर अपहर्ताओं के द्वारा 2,00,000 रुपये फिरौती की मांग की जा रही थी और धमकी दी जा रही थी कि नहीं दोगे तो उसकी हत्या कर देंगे। पुलिस की तत्पर कार्रवाई से उनको सकुशल बरामद किया गया। कारण जैसा ये लोग बता रहे हैं कि कुछ पैसे इन लोगों से अपहरण और फिरौती के माध्यम से वसूलना था, उसके लिए इन लोगों ने अपहरण किया था। अभी गहराई से अन्य बिंदुओं पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। IPL मैच खेल रहे थे, वो बातें भी आई हैं कि ये लोग उसमें भी पैसे लगाए थे, जो पैसा इन लोगों का ख़त्म हो गया था उसके लिए, पैसे की भरपाई के लिए इन लोगों ने अपहरण किया, वैसी बातें आई हैं, उस पर हम लोग अनुसंधान। कितना टोटल गिरफ्तारी हुई इसमें? कुल 5 गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 बालिग हैं और 1 नाबालिग है उनको। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट।